उत्तर प्रदेश की जिस अमेठी लोकसभा सीट पर कभी गांधी परिवार का दबदबा रहा करता था, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार का वो दबदबा खत्म कर दिया। साल 2014 से ही अमेठी में काम कर रही स्मृति ईरानी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार राहुल गांधी को हराकर अमेठी से सीधे केरल के वायनाड भेज दिया, और उन्हें वायनाड भेजने के बाद से ही स्मृति ईरानी चुटकी लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किया। दरअसल महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को महादेव की काशी के दौरे पर गई हुई हैं, जहां उनकी मुलाकात केरल से आए कुछ दर्शनार्थियों से हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन दर्शनार्थियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और हंसी मजाक भी किया। केदार घाट पर हुई इस मुलाकात के दौरान जब केरल के दर्शनार्थियों ने स्मृति ईरानी से ये बताया कि वो केरल से आए हैं, फिर तो स्मृति ईरानी भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चुटकी लेने से नहीं चुकी, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में उन्हें बुरी तरह से हराया था, लेकिन केरल के वायनाड से उन्होंने जीत हासिल की थी और वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद हैं। यही वजह है कि दर्शनार्थियों ने जैसे ही बताया कि वो केरल से आए हैं, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कह दिया, मैंने एक आदमी को केरल के वायनाड भेज दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसी तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अभी पिछले महीने यानी मई की ही तो बात है, जब स्मृति ईरानी को केरल के दौरे पर जाने का मौका मिला था। पार्टी के काम से केरल गई स्मृति ईरानी वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भी गई थी, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं। उनके इस दौरे से सियासी हड़कंप मच गया था और यहां तक कहा जाने लगा था कि कहीं अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी वायनाड में भी तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली नहीं है। वायनाड के दौरे को लेकर जब स्मृति ईरानी से पूछा गया था कि क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ने वाली हैं, इस सवाल पर भी स्मृति ईरानी ने चुटकी लेते हुए कह दिया था, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं अमेठी से नहीं भागती। हाजिर जवाबी में माहिर मानी जाने वाली स्मृति ईरानी इसी तरह से राहुल गांधी पर चुटकी लेती रहती हैं। बहरहाल क्या वाकई स्मृति ईरानी को वायनाड में भी राहुल गांधी को चुनौती देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।